हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ जो कि हिंदी में तो बोले जाते हैं लेकिन इंग्लिश में इनका यूज हमें बहुत ही कम पता होगा। आज मैं आपको एक अनोखे तरीके से इंग्लिश के कुछ वर्ड याद करवाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टे को इंग्लिश में बोलेंगे टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी में होता है उल्टा पुल्टा। तितर बितर, तितर बितर को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर को इंग्लिश में बोलते हैं तितर बितर को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर में होता है तितर बितर। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की को इंग्लिश में बोलते हैं जैस्टलिंग जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग में होता है धक्का मुक्की। सुनी सुनाई को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर से। हेयर से में होता है सुनी सुनाई। तू तू मे मे, जब हमसे हमारी किसी तू तू मे हो जाती है, बहस हो जाती है, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं उसका वर्ड होगा स्क्वेबल। स्क्वेबल में से होता है तू तू मे, स्क्वेबल। इसी तरह से होता है खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला जो हिंदी का वर्ड होता है उसको इंग्लिश में बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिकली। पब्लिकली में से होता है खुल्लम खुल्ला। फलना फूलने को इंग्लिश में बोलते हैं थ्राइव। थ्राइव में से होता है फलना फूलना। को कैप्रेशियस, आपके सामने ये वर्ड है कैप्रेशियस। सोचिए कैप्रेशियस में क्या होता है, बहुत ध्यान है भाई। कैप्रेशियस होता है मनमोजी। मनमोजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रेशियस। चलिए दूसरा वर्ड हम यहाँ याद करते हैं, कैप्रेशियस हमने याद कर लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने थ्राइव। थ्राइव में क्या होता है थोड़ा सोचिए, रुकिए, इसको पॉज कर दीजिए, सोचिए। थ्राइव में होता है थ्राइव, क्या होता है सोचिए, फलना फूलना। थ्राइव को इंग्लिश में बोलते हैं फलना फूलना। हिंदी में बोलते हैं फलना फूलना। फलना फूलने को इंग्लिश में बोलते हैं थ्राइव। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। खुल्लम खुल्ला को बोलते हैं ओपनली। ओपनली में सोता है खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने तितर बितर। तितर बितर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं थोड़ा सोचिए, फिर बताइए मुझे। हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर में सोता है तितर बितर। स्क्यूबल में क्या होता है, स्क्यूबल। स्क्यूबल में होता है तू तू मे मे, जब हमसे हमारी किसी से कहीं से नहीं हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तू तू मे हो जाती है, तो वहाँ पर हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यूबल। स्क्यूबल, स्क्यूबल में क्या होता है तू तू मे मे। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम याद करते हैं मुक्की। जब हमारी किसी से धक्का मुक्की हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं सोचिए, धक्का मुक्की क्या बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था ना आपको धक्का मुक्की। धक्का मुक्की इंग्लिश में क्या कहा जाता होगा, धक्का मुक्की। धक्का मुक्की को इंग्लिश में बोलते हैं जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग में होता है धक्का मुक्की। जब हम किसी से धक्का मुक्की हो जाती है तो वहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग में क्या होता है धक्का मुक्की। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा को